जय साथियों, विविध के सेशन में स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हम लोग खेल के उन महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से परीक्षा में ज्यादा सवाल आते हैं। वैसे खेल के सभी तथ्यों को पढ़ना है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल। उनसे जुड़े उन तथ्यों पर बात करें जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगी। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रीय उपलब्ध है। मेरे द्वारा ई लर्निंग भी दुर्गेश के माध्यम से हम कोशिश करेंगे अब तक इस संपूर्ण सेशन को पहुंचाने का या पढ़ाने का। पहला टॉपिक आपके सामने ओलंपिक है, तो जानते हैं ओलंपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा, मेरा सवाल आपसे है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। सरल सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में छोड़ते हुए जाइएगा। आगामी ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होगा, ये दो सवाल ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। सरल सवाल है। अगर हम बात करें ओलंपिक खेलों का संबंध प्राचीन ग्रीस से है। कहां से है? प्राचीन ग्रीस से है। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था, जिसे पीरेडी कुर्बिटीन ने शुरू किया था। तो यहां से आपके काम के दो की पॉइंट मिले हैं कि जो पहला ओलंपिक खेलों का जो संबंध है वो कहां से है? प्राचीन ग्रीस से है, और 1896 में एथेंस में हुआ था, और जिसे पीरेडी कुर्बिटीन ने शुरू किया था। एथेंस में 241 प्रतिभागियों ने 14 विभिन्न देशों से भाग लिया था। कब? इस पहले एथेंस की बात हो रही है, 1896 वाले एथेंस की बात हो रही है। आधुनिक ओलंपिक खेल ओलंपिक हर 4 सालों में आयोजित किया जाता है। ऊपर मैंने सवाल पूछा था, उसका जवाब आपको यहां मिल गया कि प्रत्येक 4 वर्षों पर ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। यह अधिकतम 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। मैंने अगर दिनों की बात की जाए, अधिकतम 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों के प्रकार हैं। ओलंपिक खेलों की बात की जाए, इसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, युवा ओलंपिक और पैरालंपिक होता है। अगर मैं सवाल पूछूं कि पैरालंपिक किसके लिए होता है, तो मैं चाहूंगा इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर देंगे कि पैरालंपिक क्या होता है, इसमें कौन से या किस तरह खिलाड़ी हिस्सा ले पाते हैं, प्रतिभा कर पाते हैं। अगर हम बात करें ओलंपिक, जो ओलंपियाड है, ये 4 साल की अवधि की निर्दिष्ट करता है, जो ग्रीष्मकालीन खेलों में प्रत्येक संस्करण से अलग करता है। अगर एक बात देखा जाए जो की पॉइंट आपके लिए हो सकता है, 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों का आयोजन एक ही वर्ष में किया जाता था। 1992 तक अगर हम बात करें, 1992 से अगर तक बात करें, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो खेल थे उनका आयोजन एक ही वर्ष में किया जाता था। लेकिन आगे चलकर तब से 1992 के बाद से शीतकालीन खेलों की ग्रीष्मकालीन खेलों से 2 साल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया, 2 साल के लिए अलग कर दिया, मतलब दो दो साल पे गैप हो गया। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में शेमानिक्स फ्रांस में आयोजित किया गया था। माने 1992 तक तो हमने देखा कि एक ही वर्ष में आयोजित होता था, उसके बाद इसे 2 वर्षों के अंतराल पर कर दिया गया, लेकिन मतलब 2 वर्षों का गैप कर दिया गया, लेकिन पहला जो शीतकालीन ओलंपिक था वो 1924 में शेमानिक्स फ्रांस में आयोजित किया गया था। अगर हम ओलंपिक से जुड़े अंत तथ्यों की तरफ चलें खेल में, तो ओलंपिक ध्वज में, ध्वज तो जानते ही हैं, एक सफेद पृष्ठभूमि होती है, माने बैकग्राउंड जो होता है व्हाइट बैकग्राउंड होता है। कैसा बैकग्राउंड होता है? व्हाइट बैकग्राउंड होता है, जिसमें आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले होते हैं, और ये 5 छल्ले महाद्वीप के घोतक है। आइए जानते हैं क्या है। झंडे पर 5 छल्ले दुनिया के बसे हुए महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका को एक महाद्वीप माना जाता था और यूरोप को, एशिया को अलग माना जाता था। माने अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को एक महाद्वीप के रूप में देखा जाता था, वहीं यूरोप और एशिया को 2 अलग अलग महाद्वीप के रूप में हम पढ़ते थे या जानते थे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे यहां पे कि यह रंग जो था, देखा जाए नीला, काला, लाल, पीला और हरा, यह रंग महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। माने यह रंग महाद्वीप के रंग है। इनमें भी आपको जानना जरूरी है कि इन महाद्वीपों के रंग में अगर मैं पूछूं कि कौन सा रंग
अफ्रीका महाद्वीप के लिए है। तो चाहूंगा कि आप इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप के लिए कौन सा रंग था या कौन सा रंग झंडे में अमेरिका महाद्वीप का सॉरी अफ्रीका महाद्वीप का घोतक है। अगर अफ्रीका की बात करें तो काला, अफ्रीका महाद्वीप का घोतक जो था काला रंग था। वैसे मेरा सवाल है अमेरिका के लिए कौन सा रंग था, यूरोप के लिए कौन सा था, एशिया के लिए कौन सा था, वैसे सभी महाद्वीपों को आपको बताना चाहिए, लेकिन मेरा जो सवाल यह था कि काला जो था वो अफ्रीका महाद्वीप के लिए रंग था। वैसे आगे भी आप देखेंगे शामिल करने के लिए बनाया गया जो दुनिया भर के लगभग सभी झंडों के लिए आम है। प्रतीक मूल रूप से 1913 में कॉर्बेटिन द्वारा बनाया गया था। जो प्रतीक जो है मूल रूप से 1913 में इसके द्वारा कॉर्बेटिन के द्वारा बनाया गया था। अब यहां पे देखिए, अब आप जान पाएंगे इसमें किस कलर झंडे का प्रयोग हुआ है, उन झंडों में किस किस महाद्वीप की बात है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, देखिए यहां पर एक झंडा जो है सबको दिख रहा होगा। अब इस झंडे को मानचित्र के आधार पर देखकर आपको बताना है कि किस महाद्वीप को या किस महाद्वीप को कौन सा कलर है। तो अमेरिका जो देखिए उत्तरी में दक्षिण अमेरिका है, ये अमेरिका हो गया, ये अमेरिका महाद्वीप लाल हो गया। उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो हरा हो गया। काला देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप है। अब एशिया महाद्वीप पीला हो गया और यूरोप महाद्वीप नीला हो गया। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम में आने वाला है। और यहां से सवाल आते हैं और यही है व्हाइट बैकग्राउंड पर पांच छल्ले जो ओलंपिक का प्रतीक है, ये झंडा है। ठीक है, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट रख लें। वैसे टेलीग्राम पर अगर आप जुड़े होंगे तो इसके सभी पीडीएफ आपको वहां पर क्रमवार रूप से मिलती जाएगी। उसे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक। अगला अगर हम देखें यहां पे, महिलाओं ने अपना पहला ओलंपिक पदार्पण टेनिस और गोल्फ में पेरिस फ्रांस 1900 में किया था। माने महिलाओं ने कि जो ओलंपिक में पदार्पण हुआ था, शुरुआत हुई थी वो टेनिस और गोल्फ लेकर पेरिस में जो ओलंपिक फ्रांस में हुआ था सन 1900 में, वहां से ओलंपिक में महिलाएं भी हिस्सा लेना शुरू कर दें। पहली ओलंपिक कांग्रेस 1894 में पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। पहली ओलंपिक कांग्रेस यह वह कांग्रेस थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना की थी, जिसने आईओसी की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी नोट्स विविध की है, ये परीक्षा के लिए चुन चुन कर तैयार की गई है। अगर हम आगे बढ़े तो आगे आपको मिलेगा ओलंपिक में पहली बार कौन कौन से गेम को शामिल किया गया। 1896 में बात किया जाए तो आर्टिकल जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, साइकिलिंग रोड, साइकिलिंग ट्रैक, फेंसिंग, निशानेबाजी, तैराकी, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती। अब सन 2000 में देखा जाए ताइक्वांडो, ट्रेम्पोलिन, ट्रायथलॉन। 2008 में साइकिलिंग, बीएमएक्स रेसिंग, मैराथन स्विमिंग। 2016 में रग्बी सेवेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2017 में 3x3 बास्केटबॉल। 2018 में बीच हैंडबॉल, फुटलेस, केवल योग। 2020 में अगर हम बात करें तो साइकिलिंग, बीएमएक्स, फ्री स्टाइल कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग। 2024 में पूछा जाता है ब्रेक डांसिंग, 2024 के ओलंपिक के लिए ब्रेक डांसिंग और 2026 के लिए स्की माउंटेनियरिंग विंटर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ओलंपिक में पहली बार शामिल और खेलों में अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को देखें जो ओलंपिक से आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसमें है बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 में और शीतकालीन ओलंपिक खेलों में 2022 में दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर बना। कौन? बीजिंग। ग्रीष्मकालीन 2008 और शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला देश बना बीजिंग। वे स्थान जहां ओलंपिक आयोजित होंगे, अब यहां देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात किया जाए 2024 पेरिस में होगा, फ्रांस में, माने फ्रांस में हो रहा है जैसा कि आपको भी पता है। लेकिन आने वाला 2028 का जो ओलंपिक होगा ये लॉस एंजेल्स संयुक्त राज्य अमेरिका जिससे में होगा। 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। शीतकालीन ओलंपिक की बात की जाए 2026 में मिलानो काटिना इटली में। देखिए 24 के बाद 26, दो साल के गैप में, देखा बताया था मैंने 1992 से दो साल के गैप पे होने लगा, पहले एक ही वर्ष में होते थे।
अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज आपका। ओलंपिक में अगर भारत के प्रदर्शन की बात करें कि भारत किस हद तक कहां तक रहा है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप लोग कि टेलीग्राम पर सभी जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर अगर आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ना, इलेनी भी दुर्गेश आएगा, उसे जुड़िएगा जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, ताकि सभी चीजें आपको नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, पीडीएफ आपको एक ही जगह से आसानी से मिल सके। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की स्थापना 1927 में हुई थी। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी 1927 में, मैंने जब हमारे यहाँ तब अंग्रेज थे। यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक स्वशासी निकाय, कैसा निकाय है, एक स्वशासी निकाय है। भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस में आयोजित ओलंपिक में भाग लिया था, मतलब भारत पहली बार 1900 के जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था उसमें हिस्सा लिया था, जिसमें पहली बार महिलाओं को भी शामिल किया गया था। सर दोराब टाटा 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। यह भी आपके कई परीक्षाओं में पूछा चुका है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं के ट्रेंड बदल चुके हैं, कूट वाले सवाल खूब ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आज के जो सवाल हैं, जो आज के ट्रेंड है उसके हिसाब से ये सेशन सीरीज आपके लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। अगर ओलंपिक भारत के प्रदर्शन में देखा जाए तो देखते हैं, हो सकता है कुछ चीजें आपके काम की मिल जाए। हम स्वर्ण पदक, भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लंदन में भारतीय हॉकी टीम ने आजादी के बाद पहला स्वर्ण पदक जीता था। रजत पदक 1960 के रोम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता था। कांस्य पदक, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 3 कांस्य पदक जीते हैं, एक 1968 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में और दूसरा म्यूनिक 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में और तीसरा टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में। तो आप इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये आपके लिए पूछा सकता, मतलब ये पूरा हॉकी की कहानी है। अब यहां पे देखिए अभिनव बिंद्रा, इनके बारे में पढ़ा भी होगा और आप जानते भी होंगे। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत खिलाड़ी बने थे। पहले व्यक्तिगत, क्योंकि हॉकी में था सभी को पूरा बांटा जाता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कौन था, अभिनव बिंद्रा जी। पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। कहां पर, ध्यान दीजिएगा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात हो रही है पीवी सिंधु को लेकर। नीरज चोपड़ा पुरुषों के भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एशियाई एथलीट है। 2018 में एशियाई खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बने थे, और इन ओलंपिक का भी गोल्ड मिला है, आपको पता ही है नीरज चोपड़ा जी को। अरपिंदर सिंह ने जकार्ता 2018 में एशियाई खेलों में 48 साल की अंतराल के बाद पुरुषों के ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। आप भी इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। शेखोम मीराबाई चानू ने महिलाओं को 49 किलोग्राम वर्ग में 87 किलोग्राम सैन, 115 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क भार उठाकर टोक्यो 2020 के ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ठीक, 2020 में। और यहां देखिए नीरज चोपड़ा तो आप जानते ही हैं, इनको भी मिला। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को गोद लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और 2032 ओलंपिक तक पहलवानों को बुनियादी ढांचे के साथ ही 170 करोड़ रुपए की निवेश सहयोग की भी उम्मीद है। शबाना अख्तर ओलंपिक में भाग लेने वाली पाकिस्तान की पहली महिला थी। उन्होंने अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका में 1996 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिलाओं की लॉन्ग जंप में भी भाग लिया था। सिद्दीकुर रहमान गोल्फ 2016 में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले बांग्लादेशी बने। आगे अगर हम देखें, कर्मा टोक्यो 2020 में किसी भी खेल में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली भूटान की पहली एथलीट बनी। नीलिमा घोष फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली
पहली भारतीय महिला थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी इस तरह के प्रश्न रिपीट किए जा सकते हैं। अगर यूथ ओलंपिक खेल की बात की जाए, युवा ओलंपिक की बात की जाए, तो यहां से भी खूब सारे परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर है यूथ ओलंपिक खेल का उद्देश्य दुनिया भर के 15 से 18 वर्ष के प्रतिभाशाली युवा एथलीटों को एक साथ लाना है, इसका उद्देश्य। यह पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण 14 से 26 अगस्त 2010 तक सिंगापुर में आयोजित किया गया था। चौथे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 में डकार सेनेगल में होंगे। यह अफ्रीकी महाद्वीप का पहला देश है जिसे ओलंपिक खेल आयोजन का मेजबानी का अवसर दिया गया है, इसलिए यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे है चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 मैगवोन कोरिया गणराज्य में आयोजित हुआ, तो आप भी जानते हैं। इसी के साथ हमने देखा यूथ ओलंपिक खेल, आप देख पाएंगे यही है डायग्राम यूथ ओलंपिक का। पैरालंपिक ऊपर मैंने चर्चा किया था, पैरालंपिक क्या है, अब उसी पैरालंपिक की यहां पर हम लोग बात करेंगे। ये दिव्यांगों का होता है, मतलब पैरालंपिक खेल, पैरालंपिक एक अंतरराष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। यह विश्व रूप से सक्षम लोगों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसे पैरालंपियाड के खेलों के रूप में भी जाना जाता है। लंदन 1948 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन के साथ ही विकलांग एथलीटों के लिए ओलंपिक पहली बार हुए हैं, जिसे हम पैरा ओलंपिक के नाम से जानते हैं। ये परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक खेल अब देख पाएंगे, उसका जो लोगो है ये आपके सामने है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। पैरालंपिक खेल की अगर हम बात करें यहां पर, तो ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के 6 दिन बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही वाला लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के 6 दिन के बाद 1960 में 9वें अंतरराष्ट्रीय स्टोक मंडेलविले खेल का पहला ओलंपिक खेल माना गया। अब अगर बात करें 1960 से पहले पैरालंपिक स्टोक मंडेलविले गेम्स कहा जाता था, यह भी इंपॉर्टेंट है। सभी पैरालंपिक खेलों का संचालन अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी द्वारा किया जाता है। अगर पैरालंपिक खेल की अगर हम बात करें तो पैरालंपिक्स दो प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन पैरालिम्पिक्स ओलंपिक्स, शीतकालीन पैरालंपिक्स। प्रत्येक पैरालंपिक्स 2-2 साल के अंतराल पर कराए जाते हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इसे लिख लें या इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। पैरालंपिक खेल की बात करें, इसका शुभंकर सबसे पहले अगर हम बात करें, जब 1980 में पैरालंपिक खेलों के लिए बनाए गए थे, वे नेकी ओम्प्रिनेंसे द्वारा डिजाइन किए गए थे। नाम था नोगी और जोगी, किलहरी का जोड़ा। 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक पेरिस पैरालंपिक फिग्रे और फ्रेगियन कैप, इसका शुभंकर। 2022 शीतकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी बीजिंग चीन द्वारा की गई थी। पैरालंपिक खेल में भारत स्वर्ण पदक ओनी लेखरा ने टोक्यो 2020 में पैरालंपिक में 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई खेल, अब एक टॉपिक है आपके सामने एशियाई खेल, आइए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, एशियाई खेल को भी देखते हैं ये कहां तक आपके लिए महत्वपूर्ण है। एशियाई खेलों का आयोजन हर चार साल के बाद होता है। भारत में पहले खेलों से लेकर 1978 नई दिल्ली के खेलों तक इसका नियंत्रण एशियाई खेल महासंघ AGF द्वारा किया गया था, लेकिन 1982 के खेलों के बाद वे ओलंपिक परिषद एशिया द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आगे एशियाई खेल, अब इसका देख लीजिएगा, ये लोगो है एशियाई खेल का, शायद आपके काम में आ जाए, इसके स्क्रीनशॉट कभी देखने के बाद आपके दिमाग में आ जाए। अब अगर एशियाई खेलों की बात कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी परीक्षा के लिए यहां से मिल सकती है, वो क्या क्या चीजें हैं। जैसे एशियाई खेलों का पहला संस्करण 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहले एशियाई खेलों का मोटो था खेल को खेल की भावना से खेलो। 19वां होंगजो 2022, 20वां आईजी नोक्यो 2026, 21वां दोहा 2030, 22वां रियाद 2024। शुभंकर पेश करने वाला पहला एशियाई खेल 1982 में नई दिल्ली में खेला गया था, जब एक हाथी अप्पू को चुना गया था, तो यह इंपॉर्टेंट है। 20वां ध्यान दीजिएगा, यह पूछ सकता है कि 20वां 2026 में आईची नागोया में होगा। एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन, तो भारत पहली बार एशियाई खेलों में फुटबॉल चैंपियन नई दिल्ली में आयोजित 1951 के उद्घाटन संस्करण में बना और स्वर्ण पदक भी जीता था। बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल की। राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के एथलीटों के बीच एक चतुष्कोणीय अंतरराष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है। यह पहली बार 1891 में जॉन स्टिल्क
कूपर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह पहली बार 1930 में आयोजित भी किया गया था। खेलों का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF द्वारा किया जाता है, जो खेल कार्यक्रम को नियंत्रित करती है और मेजबान शहरों का चयन भी करती है। राष्ट्रमंडल खेल का लोगो आप इसे देख सकते हैं, यह आपके काम का है। राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने देखा कि 2022 में मेजबान बर्गिमन इंग्लैंड, टॉप एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया। 2026 मेजबान विक्टोरिया राज्य ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है। मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों के प्रारूप के अनुसार हर 4 साल में खेलों का आयोजन किया जाता है। कितने साल? 4 साल। पहला संस्करण एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में 10 से 14 अगस्त 2000 तक आयोजित किया गया था। एथलीटों की आयु सीमा 14 से 18 वर्ष रखी गई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई खेल सी गेम्स एक द्विवर्षीय बहुखेल है आयोजन, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के मौजूदा 11 देशों के प्रतिभागी शामिल होते हैं। खेल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा पर्यवेक्षण के साथ दक्षिण पूर्व एशिया खेलों के महासंघ के नियमन अधीन है। दक्षिण पूर्व एशिया खेल में हर 2 साल में होता है, जिसका पहला कार्यक्रम 1959 बैकांग में आयोजित किया गया था और 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया खेल नोम पने कंबोडिया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी द्वारा किया जाता है। अब यहां पे बात करें तो इसमें क्या चीजें हैं। पुरुषों का टूर्नामेंट 1979 में शुरू हुआ और महिलाओं का टूर्नामेंट पहली बार 1996 में आयोजित किया गया और यह हर साल आयोजित किया जाता है। पहला आयोजन भारत द्वारा 1979 में जालंधर में आयोजित किया गया था। भारत द्वारा होस्ट किया गया जालंधर 1979, मुंबई 1987, नई दिल्ली 1991, 2003, 2010, 2017, 2020, 2023। तो ये था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। ठीक है, इसी के साथ यह सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी लोग ऑल इन क्लास और नोट से संबंध में अगर कोई भी जानकारी चाहिए, इलनी विद दुर्गेश के ऑफिस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग विविध के सेशन में पढ़ लिए, इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इससे जुड़ा हुआ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना हो हल करने के लिए। आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके इलनी विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। नोट संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इलनी विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के सभी नोट्स, एनसीईआरटी के सभी नोट्स 6 से लेकर 12 तक इलर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध हैं। जी हाँ, 6 से लेकर 12 हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में, जहां पर आप इलर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो, ये सीरीज मेरे द्वारा निःशुल्क रहती है आप सभी के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बेहतर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। जहाँ तक उत्साह होगा हम आपके लिए बेहतर करेंगे। तो ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, मतलब उन जुड़े तथ्यों को पढ़ा जहां से परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। बाकी हम इसकी प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे तो वहां पे और चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। वैसे विविध स्टैटिक टीएस जीके में ये सीरीज आपके लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण थी। वैसे इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। अगर आपका कोई प्रश्न, कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वैसे आप अपना व्यक्तिगत सवाल इलनी विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ, स्टैटिक जीके की एक अगली सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।